भाई आपसे मिलने दुर्लभ कश्यप आया है। ठीक है उसे अंदर भेज दो। अच्छा जय श्री महाकाल। दुर्लभ भाई मैंने आपका इस शहर में बहुत नाम सुना है और आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये बताइए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं आपके शहर में फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? दिक्कत यह है कि मैं शराब की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ और फैक्ट्री लगाने के लिए जो जगह मिली है उसके आसपास कोई नदी या नहर नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये फैक्ट्री आपके शहर में लगा लूँ जिससे फैक्ट्री से निकलने वाले कचड़े को आसानी से नदी में फेंक सकेंगे और फैक्ट्री में काम करने के लिए लेबर भी आपके शहर से मिलती रहेगी। क्या कहा, शराब की फैक्ट्री? तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं इसके लिए तुझे हाँ कर दूंगा? लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इससे तो आपके शहर वालों को फायदा ही है, उन्हें नौकरी मिलती रहेगी। शराब जैसी घटिया चीज से ना जाने कितने परिवारों का नाश हुआ है और तू हमारे बेवर में शराब की फैक्ट्री लगाने की बात कर रहा है, इसके लिए मैं तुझे कभी हाँ नहीं करूंगा। सोच ले दुर्लभ, इससे तुझे बहुत फायदा है। अगर एक बार शराब की फैक्ट्री लग गई तो तुझे महीने का लाखों करोड़ रुपए पैदा हो सकता है। रही बात इन गाँव वालों की, वो तो तू जो बोलेगा वही मानेंगे। समझदारी इसमें ही है कि तुम मुझसे हाथ मिला ले। तूने क्या सोचा मैं पैसों के लिए इतना गिर जाऊंगा कि अपने ही गांव वालों को खुद से धोखा दूंगा? मैं अपने गांव वालों को कभी धोखा नहीं दे सकता। मेरा हाथ ठुकरा के इसने अच्छा नहीं किया। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं फैक्ट्री इसी शहर में लगा के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इस दुर्लभ की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। भाई कहाँ भाग रहे हो इतनी जल्दी में? भाई मैं थोड़े काम से आज बाहर जा रहा हूँ। वैसे कहाँ जा रहा है, मैं भी चल रहा हूँ साथ। नहीं भाई आप यहीं रहो, मुझे थोड़ी दूर जाना है। चलो ठीक है जाओ। भाई बहुत दिन हो गए महाकाल बाबा के दर्शन करने नहीं गए, चलो आज चलते हैं। चलो चलते हैं। भाई आप जाओ मैं यहीं खड़ा हूँ। ठीक है। भाई क्या हुआ? तू तो बाहर खड़ा था, अंदर कैसे पहुंचा? भाई वो अभी गोली चली थी तो मैं आपको देखने गया था। चलो भाई यहाँ से चलते हैं, आपकी जान को खतरा है। चलो अब देखता हूँ साला दुर्लभ अभी अपनी गांव वालों को चुनता है या अपने दोस्त को। हेलो दुर्लभ कश्यप। हाँ कौन? तेरा दोस्त मेरे कब्जे में है, अगर अपने दोस्त की जान की सलामती चाहता है तो पुराने स्कूल की बिल्डिंग से आ जा, मैं तेरा भाई इंतजार कर रहा हूँ। तू उसको कुछ मत करना, मैं आता हूँ। दुर्लभ कश्यप, मुझे पहले ही पता था तू अपने दोस्त को बचाने के लिए जरूर आएगा।
देख तेरी दुश्मनी मुझसे है तो मुझे जो मर्जी कर ले, लेकिन मेरे दोस्त को छोड़ दे। मैंने तुझे पहले समझाया था उस डील के लिए यहाँ कर दे, लेकिन तेरे समझ में कहाँ आता है, तुझे तो अपने शहर वालों की ज्यादा फिक्र होती है। आज देख उन्हीं शहर वालों के चक्कर में तू और तेरा दोस्त दोनों फंस गए। अब देख मैं क्या करता हूँ। सनकी ये ले और इस दुर्लभ कश्यप का काम तमाम कर दे, बन जा इस शहर का डॉन। संगी ये सब क्या हो रहा है? लगता है तू अभी समझा नहीं, चल तुझे समझाता हूँ। ये देख फ्लैशबैक। भाई आपसे मिलने दुर्लभ कश्यप का साथी आया है। दुर्लभ कश्यप का साथी? लेकिन वो क्यों मिलने आया? ठीक है उसे अंदर भेजो। ठीक है भाई। हाँ बताओ क्यों आए हो? देखो इस शहर में फैक्ट्री खोलना इतना आसान नहीं है बिना दुर्लभ की मर्जी से। और हाँ अगर तुम मुझसे हाथ मिला लो तो तुम्हारा काम हो सकता है। बस तुम्हें इतना करना, जो डील तुमने दुर्लभ के लिए रखी थी वो डील मेरे लिए होगी। ठीक है डील डन, बाकी की बात फोन पर करते हैं। ठीक है ये लो इसमें पूरे 50 लाख रुपए हैं। ठीक है आज मैं उसे मंदिर पे लेके जाऊंगा, तुम वहीं पे हमला करवा देना। ठीक है भाई आप जाओ मैं यहीं खड़ा हूँ। ठीक है। वो मंदिर में पहुंच चुका है, तुम लोग उस पर हमला कर दो। ये सब मेरा ही प्लान था तुझे यहाँ तक लाने का। लेकिन तूने ये सब किया क्यों? मैं तो तुझे अपना भाई मानता था ना। क्या कहा साले भाई, आज तक मैंने तेरी गुलामी की और बदले में मुझे क्या मिला है? तू मुझे अपना भाई नहीं गुलाम समझता है। और हाँ अब ये गुलामी मुझसे और नहीं होगी और तुझे मार कर मैं इस शहर का डॉन बन जाऊंगा। भाई भाई मुझे माफ कर दो भाई भाई भाई। जंगल में जानवर चाहे कितने भी क्यों ना आ जाएं, लेकिन जंगल का राजा शेर होता है शेर, और मैं वही शेर हूँ। जय श्री महाकाल भाइयों। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी ना वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा है। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।